हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 12th अप्रैल 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में 0.04% का पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने मिला। 4524.90 पे हमें अप्रैल 5th को जो है क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली, उसी बारे में हम बात करेंगे। इस स्टॉक का जो हम सीधा यहाँ पे जो है इस वीक में क्या होने वाला है उसी बारे में हम बात करने वाले, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। तो बाकी बिना समय गवाए सीधा हम जाते हैं हमारे यहाँ पे डेली के चार्ट पर। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर मार्क करेंगे। फिलहाल वीकली के चार्ट पर किस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने मिला वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है, वीकली का चार्ट यहाँ पे मैं ओपन करके आपको जो है वॉल्यूम और किस तरह की कैंडल बनी है वो हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी बनी हुआ, दोनों के साइड में छोटी छोटी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI 64-65 के आसपास आ चुका जो हमें यहाँ जो जरूर हमें एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा दे रहा है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ RSI या इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, मेरा ओपिनियन सीधा हम जाएंगे हमारे डेली के चार्ट पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो है मार्क करते हुए यहाँ पे आपको बताएंगे। तो फिलहाल डेली के चार्ट में मैं आपको जो है स्टॉक का ट्रेंड जो है वो बता देता हूँ। स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा यहाँ पे जो है क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। फिलहाल यहाँ पे जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। अगर आपने अभी तक बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर लें, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग्स भी जो कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे जूम करके मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 4524 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 4472 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 4586 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है इस वीक में घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 4353 का, उसके बाद क्या था 4234 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 4706 का, उसके बाद क्या था 4798 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे इस वीक का जो है ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन इस वीक के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड है। 4586 लेके 4706 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। ऐसा कोई मैं यहाँ पे एकदम ही एक्सट्रीम जो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने मिल सकते हैं, लेकिन जरूर इस रेंज में एक छोटा सा साइड में जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट हमें जरूर देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इस वीक में हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।